तो दोस्तों आई होप कि आप सभी की दीपावली बहुत अच्छी रही होगी। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली चली गई, तो चलिए अब थोड़ा बात कर लेते हैं ब्लॉगिंग के बारे में, कुछ कमाने के बारे में जान लेते हैं। और आप सभी ये भी जानते हैं कि दीपावली के टाइम पे कंपनियां अच्छे अच्छे ऑफर्स लेकर के आती हैं होस्टिंग के ऊपर, डोमेन के ऊपर। काफ़ी सारी ऐसी वेबसाइट है जिन्होंने लेकर के आया था स्पेशल ऑफर दीपावली के लिए, जो कि अभी भी चल रहा है। तो मैंने इसके बारे में जानते ही आपके लिए वीडियो बनाने के बारे में सोचा, तो आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए। मेरा नाम है विनीत, स्वागत है आप सभी एक्सपर्ट सॉल्यूशन चैनल पर, जहाँ मेरी कोशिश होती है सिखाने की और बताने की। तो बिना देर की बात की हुई, लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो रिसेलर क्लब ने एक बहुत अच्छा प्लान लेकर के आया आपके लिए, ग्रेट दिवाली सेल। यहाँ आप देख सकते हैं रिसेलर क्लब होस्टिंग चल रही है 515 रुपये से मात्र में। पर आप नीचे अगर स्क्रॉल करूँगा मैं इसको, तो यहाँ आप देख सकते हैं अप टू 50% ऑफ शेयर होस्टिंग के अंदर, क्लाउड होस्टिंग के अंदर 50%, और जो कि नॉर्मली आप देख सकते हैं मानसून ऑफर के अंदर 60% ऑफ था। पर फिलहाल अभी काफ़ी दिनों से मैं देख रहा था 40% ऑफ चल रहा था। अगर किसी ने मानसून ऑफर के टाइम पे 60% में बाय कर लिया है तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। पर अभी अगर कोई बाय करना चाहता है क्लाउड होस्टिंग, तो देखिए 50% के ऊपर बहुत अच्छी ऑफर चल रहा है, क्योंकि नॉर्मली ये 40% पे चलता है। इसके साथ में VPS होस्टिंग के ऊपर आपको मिल रहा है 60% ऑफ, वर्डप्रेस होस्टिंग के ऊपर 35% ऑफ, और आप अपना बिजनेस ईमेल अकाउंट या डेडिकेटेड सर्वर वगैरह लेना चाहते हैं तो इसकी भी ऑफर चल रहे हैं। तो इस ऑफर की ज़्यादा जानकारी के लिए मैं सिंपली करता हूँ शेयर्ड होस्टिंग के लिंक के ऊपर क्लिक और क्लाउड होस्टिंग के लिंक के ऊपर क्लिक। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं और स्टार्ट करना चाहते हैं, तो रीसेलर क्लब बहुत बढ़िया है होस्टिंग प्रोवाइड करने के लिए। काफ़ी लोग ऐसा बोलते हैं कि रीसेलर क्लब की होस्टिंग इतनी अच्छी नहीं होती, उनका जो कस्टमर सपोर्ट होता है वो भी इतना अच्छा नहीं होता। पर उस चीज़ के बारे में पता तभी लगेगा जबकि आप उस चीज़ को खुद यूज़ करोगे। तो मैं खुद सोच रहा हूँ कि इसकी क्लाउड होस्टिंग या कोई भी शेयर होस्टिंग बाय करके चेक करूँगी कैसा है इनका कस्टमर सपोर्ट, कैसी इनकी सर्विसेज, क्योंकि तालाब की गहराई आप तभी जा सकती हो जब आप उसमें कूदोगे। तो मैं खुद इसको जांचूंगा, परखूंगा कि आपके लिए रिलायबल है भी कि नहीं है। तो दोस्तों जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग वाला पेज ओपन हो चुका है, और यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाया है लाइनस की शेयर्ड होस्टिंग। और यहाँ पर अगर आप स्क्रॉल करके देखेंगे पर्सनल के अंदर, तो आपको मिल रहा है 3 ईयर का प्लान 115 रुपये में। पर मुझे रीसेलर क्लब का सबसे बेस्ट यही लगा कि अगर आप इसको ओनली 1 ईयर के लिए बाई करते हो तो भी आपको 115 रुपये मिल रहा है, 2 ईयर के लिए बाई कर रहे हो, 2 ईयर्स के लिए बाई कर रहे हो तो भी 115 रुपये में, और 3 ईयर्स के लिए भी 115 रुपये में। नॉर्मली जैसे होस्टिंगर या होस्ट गेटर या और अदर जो वेबसाइट्स होती हैं जो प्रोवाइड करवाती हैं होस्टिंग को, उसके अंदर अलग अलग प्लान चलता है। आप अगर 3 साल के लिए बाय करोगे तो आपको सस्ता मिलेगा, 6 महीने के लिए कम मिलेगा, 1 महीने के लिए करोगे या 1 साल के लिए करोगे तो आपसे वो ज़्यादा पेमेंट लेते हैं। तो रिसेलर क्लब का मेरे को ये सही लगा, 1 साल के लिए अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपके पास सिंगल डोमेन है जो कि आपने gandhi.net से बाय किया जस्ट अभी और यूज़ करना चाहते हो उसको, तो आपके लिए बहुत बढ़िया है। अनलिमिटेड आपको मिलेगा डिस्क स्पेस, अनलिमिटेड आपको मिलेगा डेटा ट्रांसफर, अनलिमिटेड आप ईमेल अकाउंट्स बना सकते हैं, फ्री आपको cPanel मिलेगा, और आपको SSL सर्टिफिकेट भी मिल रहा है। तो ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है। अगर इसके अलावा आपके पास कोई और वेबसाइट है, मैक्सिमम 3 वेबसाइट होनी चाहिए, तो आप यूज़ कर सकते हैं बिजनेस प्लान का या प्रो प्लान यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि अगर आप ओनली इंडिया के यूज़र्स को टारगेट कर रहे हैं तो आप हमेशा सर्वर को इंडिया रखिए। अगर आपका वर्ल्ड वाइड टाइप की वेबसाइट है, अगर आप ब्लॉग लिखते हैं ऐसा जो कि वर्ल्ड वाइड के यूज़र्स को टारगेट कर रहा हो, तो आप उसको US रखिए, या अदर जो भी अच्छी कंट्री का होता है, या अदर जो भी अच्छी कंट्री का होता है उसका यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली अगर आप इंडिया की टारगेट कर रहे हैं यूज़र्स को, तो इंडिया का सर्वर रखिए, जिससे कि जो भी डेटा होता है आपका बहुत जल्दी रिट्राइव होगा और वेबसाइट काफ़ी जल्दी लोड होगी, उससे जो भी डेटा है वो जल्दी लोड होकर आपके यूज़र्स के सामने शो होगा। साथ ही साथ दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि ब्लैक फ्राइडे आने वाला है, जो कि शायद 29 नवंबर को है, जिसके अंदर की नेमचीप के ऊपर बहुत सारे ऑफर आने वाले हैं, लगभग 98% ऑफ रहेगा। तो जो भी लोग नए हैं इस चैनल को कर दो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं आपके साथ सारे के सारे ऑफर्स, अच्छी अच्छी डील्स सब कुछ आपके साथ शेयर करता रहता हूँ, और मैं आपको कुछ नया बताने की कोशिश करता रहता हूँ। यहाँ देख सकते हैं अल्ट्रा फास्ट क्लाउड होस्टिंग के अंदर 50% ऑफ चल रहा है। बेसिकली कुछ टाइम पहले तक 40% चल रहा था, और जून जुलाई के टाइम पे जब वो मानसून ऑफर आया था उस टाइम पे चल रहा था 60% ऑफ। जिन लोगों ने उस टाइम बाय कर लिया उनके लिए बहुत बढ़िया था, मैं खुद उस टाइम पे बाय नहीं कर पाया था। तो यहाँ देख सकते हैं अगर आप 1 ईयर का प्लान लेते हैं 275 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, 2 CPU कोर है, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस है, 2 GB RAM आपको मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ, और आपको एक ही वेबसाइट आप कर सकते हैं होस्ट। तो अगर आप नॉर्मली आपके पास काफ़ी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं 1 ईयर का प्लान जो कि 350 रुपये से है, जिसके अंदर के 4 CPU कोर मिलेंगे, अनलिमिटेड डिस्क स्पेस मिलेगा, 4 GB RAM मिलेगी, अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलेगा, और आप अनलिमिटेड वेबसाइट्स को कर सकते हैं होस्ट।
जो कि काफ़ी बेटर है और मोस्ट पॉपुलर भी यही है। और इसी के साथ में अगर आप इंडिया का सर्वर करते हैं चूज़, तो इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर चेंजिंग भी हो जाएगी, जैसे कि फिलहाल अभी ये 400 रुपये में हो गया है और US का करेंगे तो 350 रुपये में हो गया है। उसी तरीके से शेयर होस्टिंग के अंदर अगर आप अपने सर्वर को चेंज कर रहे हो, चाहे वो इंडिया हो चाहे वो US हो, तो इसके अंदर देख सकते हैं कोई भी अमाउंट के अंदर चेंजिंग नहीं हो रही है, तो काफ़ी बेटर है शेयर होस्टिंग के अंदर अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर इतनी ज़्यादा ट्रैफिक नहीं आता है तो। इसी के साथ में नीचे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अवेलेबल एड ऑन्स, अगर आप एक्स्ट्रा कोई 1 GB रैम ऐड कराना चाहते हैं तो आपको 70 रुपये देना पड़ेगा, 1 core CPU देना चाहते हैं 140 रुपये देना पड़ेगा। शेयर होस्टिंग और क्लाउड होस्टिंग के बारे में अगर मैं छोटे में आपको बताऊं कि आखिर ये होती क्या है, तो शेयर होस्टिंग बेसिकली होती है जिसके अंदर आपको एक सिंपल CPU या सर्वर को काफ़ी ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना पड़ता है, और क्लाउड होस्टिंग के अंदर आपके जो डेटा होते हैं काफ़ी सारे सर्वर के अंदर अलग 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 सेव होते हैं। अगर मान लो कोई एक सर्वर फेल हो जा रहा है या वहाँ से डेटा रिट्राइव नहीं हो पा रहा है, तो वो तुरंत दूसरे सर्वर से वो डेटा को रिट्राइव करके और आपको यूजर्स को जो भी डेटा होता है वो शो करवाता है। तो क्लाउड होस्टिंग बेसिकली जो बिगिनर्स या बिल्कुल इंटरमीडिएट टाइप के ब्लॉगर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं क्लाउड होस्टिंग का। इसके बाद में VPS, डेडिकेटेड IP या डिजिटल ओशियन का होस्टिंग भी बाय कर सकते हैं, वो सब हाई लेवल की चीज़ें हैं। पर अगर आप फिलहाल सिंपल तरीके से यूज़ करना चाहते हैं तो आप यूज़ कर सकते हैं क्लाउड होस्टिंग, या बिल्कुल ही नहीं तो यूज़ कर सकते हैं शेयर्ड होस्टिंग। तो दोस्तों मेरी आपसे बस यही रिक्वेस्ट रहेगी कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। दीपावली ऑफर चल रहा है, कोई नहीं जानता कभी एक्सपायर हो जाएगा। अगर कोई भी बाय करने के बारे में सोच रहे हैं कुछ होस्टिंग, तो उनके लिए बहुत बेटर रहेगा ये। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, कर सकते हैं शेयर अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको बेकार लगी तो आप कर सकते हैं डिसलाइक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कीजिए और बेल आइकन पर प्रेस जरूर करना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहता हूँ। जो भी मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस और नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।